साल 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को दिखेगा। यह बल्याकार सूर्य ग्रहण होने के कारण आकाश में रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा। जैसे ग्रहण जैसी घटनाएं गर्भवती महिलाएं के लिए बहुत चिंता का विषय होती हैं, क्योंकि कई धर्मों के अनुसार ग्रहण को गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अपशगुन माना जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है? सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही अपने बुरे प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। न केवल शास्त्रीय दृष्टि से बल्कि विज्ञान ने भी ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभावों को स्वीकार किया है, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली दूषित तरंगें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान वे सबसे ज़्यादा अधिक कमज़ोर होती हैं। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। मान्यता के अनुसार ग्रहण का प्रभाव 108 दिनों तक रहता है, जिसका असर गर्भवती महिला के अजन्मे बच्चे पर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण का समय क्या होने वाला है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण शाम 8:33 पर शुरू होगा और 15 अक्टूबर की आधी रात यानी कि 2:25 तक रहेगा। इस रात अमावस्या रहेगी। ग्रहण के दौरान गर्भावस्था में क्या करें और क्या ना करें? ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु की आंखों पर असर पड़ता है। ग्रहण काल के दौरान बाहर निकलना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला ग्रहण देखती है तो इसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अब जानते हैं कि गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए ग्रहण के दौरान। देखिए, ग्रहण के दौरान तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। ग्रहण काल से पहले बनाए गए भोजन में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए, यहाँ तक कि आपको पानी, दूध, दही जो भी है सब में तुलसी का पत्ता डाल देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ऐसा करने से सभी बचे हुए पके हुए भोजन में ऐसा आपको करना चाहिए। तुलसी के प्रचुर गुण मौजूद होने के कारण यह ग्रहण की हानिकारक किरणों के प्रभाव को ख़त्म कर देती है। यह दूषित किरणों से खाने पीने की चीज़ों को ख़राब होने नहीं देती है। ठीक है, तो आपको तुलसी के पत्ते ज़रूर मतलब डाल देना है ग्रहण शुरू होने से पहले। ठीक है, तुलसी का लेप भी आप अपने पेट पर लगा सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर तुलसी के पत्तों का लेप या फिर गोबर के, जो गाय का गोबर होता है, उसका लेप लगाना चाहिए। यह हानिकारक किरणों को गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। ग्रहण काल के दौरान बाहर ना निकलें। ठीक है, अगर आप घर से बाहर निकलना ही चाहती, जैसे अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको निकलना है, तो आपको सुरक्षा के लिए तुलसी के कुछ पत्ते साथ रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी कारण से बाहर जाते समय सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए, जितना हो सके अपने शरीर को ढकना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं खाने पीने की। ये क्वेश्चन काफ़ी होता है, कुछ भी खा पी सकते हैं या नहीं? देखिए, इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए और ना ही पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें खाने पीने की चीज़ों को दूषित कर देती हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तो ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ खा सकते हैं जिन पर ग्रहण शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते डाले गए हों। इसके अलावा यदि आपकी गर्भावस्था उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था है और सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो किसी भी नियम का पालन ना करें, क्योंकि आपके लिए ये नियम मान्य नहीं है। साथ ही सामान्य तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए नियमों में ढील दी गई है। मतलब बुजुर्ग बच्चे जो हैं वो, उनको इतना ज़्यादा नियम पालन नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो गर्भवती महिला होती हैं उनको ज़्यादा इन नियम पालन को करना होता है। साथ ही देखिए, गर्भवती महिला सो सकती है या नहीं? ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी जगह पर रहें जहां ग्रहण की रोशनी ना आए, और आप आराम करने के लिए लेट सकते हैं, लेकिन सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय सोना अच्छा नहीं माना जाता है। शौचालय नहीं जा सकते हैं ग्रहण के समय। गर्भवती महिलाओं को शौचालय भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए मूत्र के दबाव को कम करने के लिए ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पानी का सेवन सीमित करने का प्रयास करें। इसके अलावा ऐसे फल भी ना खाएं जिसमें आपको बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, बुरी सोच से भी आपको दूर रहना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मन में बुरे विचार नहीं लेने हैं।
किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी बच्चे को मारना पीटना नहीं है। साथ ही नुकीली चीज़ों से आपको दूर रहना है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाकू, कैंची, पिन, सुई, कील आदि नुकीली चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इसके इस्तेमाल करने से बच्चे के शरीर के अंग कटने या कटे हुए की समस्या हो सकती है, जैसे कि बच्चे के कटे होठों की समस्या हो सकती है, कुछ भी अंग जो है वो कटा पिटा हो सकता है जन्म के बाद, ठीक है। भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को छूना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही पूजा पाठ करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान मंदिर के दरवाजे बंद कर देना चाहिए। साथ ही आपको मंदिर के दरवाजे अगर आपके नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक कपड़े से मंदिर को ढक देना चाहिए, ठीक है। मंत्र उच्चारण ग्रहण के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए ग्रहण काल के दौरान मंत्र का जाप करना चाहिए। आप गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति, शिव चालीसा का जाप कर सकते हैं। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए शुभ संकेत लेकर आता है। ध्यान रखें कि यह जाप आपको अपने घर के मंदिर में नहीं करना चाहिए, जैसा कि पहले कहा गया है। ग्रहण के समय मंदिर बंद रहेगा। आप अपने घर में कहीं भी बैठ कर आराम से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, अपने बेडरूम में आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ मंदिर को नहीं छूना है, ठीक है। ऐसा करना कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने से 1,00,000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, और इसी तरह सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने से 10,00,000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। गर्भवती महिला को स्नान अवश्य करना चाहिए ग्रहण के दौरान। ग्रहण से पहले भी आप जो है गर्भवती महिला जो है स्नान कर ले, ग्रहण के बाद भी गर्भवती महिला को स्नान जरूर करना चाहिए। अपने कपड़े बदल लेना चाहिए ग्रहण के बाद। अपने ऊपर और पूरे घर में पवित्र गंगा जल छिड़कना चाहिए, ताकि ग्रहण के कारण फैली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से पूरा घर शुद्ध हो जाए, ठीक है। इसके अलावा खाना पीना फिर से शुरू करना चाहिए। जैसे ग्रहण समाप्त के समय आप स्नान करके अपने ऊपर और घर में सभी जगह गंगा जल छिड़क दें। आप चाहें तो खाने के लिए ताज़ा भोजन बना सकते हैं, यह बेहतर होगा। यदि आप कम से कम पीने के लिए ग्रहण के बाद जो है फिर से ताज़ा पानी जमा कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान आप जो कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं वह सब दूषित नहीं हो, ठीक है। मतलब शुद्ध आप ताज़ा बनाइए, ताज़ा लीजिए और उसको आप पी सकते हैं, ठीक है। अब जो ग्रहण है वो कहाँ कहाँ लगने वाला है। दक्षिण मध्य प्रदेश, अमेरिका, पृथ्वी, पश्चिमी गोलार्ध स्थिति अधिकांश क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो ऐसे में यदि गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान इन सभी नियमों का पालन करें तो इसके हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हम ये पालन करें या नहीं करें। तो देखिए, ग्रहण दिखाई दे या ना दे, अगर आप ये पालन करती हैं, नियम पालन करती हैं, तो आपके बेबी के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नियम पालन करने से कुछ भी नहीं जाता, थोड़ी बहुत देर के लिए। देखिए, अपने बेबी को आप पहले से इतना प्रोटेक्ट करती हैं, इतनी सुरक्षा करती हैं, अगर आपके मन में भी वहम है ऐसा कुछ, तो अगर आप नियम पालन कर लेती हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आशा करते हैं कि ये वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आपको चंद्र ग्रहण से रिलेटेड वीडियो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।